हेलो फ्रेंड्स, सोलो टेक इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं विशाल आनंद आज आपको 20 वाट पीक का जो ल्यूमिनस कंपनी का ये सोलर पैनल है इसका मैं करंट और वोल्टेज आपको टेस्ट करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। इसके लिए एक मल्टीमीटर लिए हैं, ये एसटीसी कंपनी का मल्टीमीटर है और यहाँ पे देखिए पैरेलल कनेक्टेड ये वायर है प्रोब के साथ। सोलर पैनल के जंक्शन बॉक्स से ये दोनों वायर आया है, पॉजिटिव निगेटिव वाला, और इसको मल्टीमीटर के प्रोब के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं। और अभी देखिए 20.4 वोल्ट दिखा रहा है, ये ओपन सर्किट वोल्टेज है यानी बिना लोड का वोल्टेज शो कर रहा है। तो इसका जो रेटेड वोल्टेज है एसटीसी कंडीशन में वो 22 समथिंग वोल्ट है। तो चलिए देखते हैं कितना वोल्टेज इन्होंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पे देखिए 22.38 वोल्ट होगा ये एसटीसी कंडीशन में, लेकिन अभी जो है ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन में यानी एनओसीटी कंडीशन में अभी जो वोल्टेज शो कर रहा है 20.4 वोल्ट शो कर रहा है, क्योंकि अभी सोलर पैनल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी अधिक हो चुका है, इसलिए वोल्टेज घट चुका है। ये ओपन सर्किट वोल्टेज अभी दिख रहा है। अब जो है हम लोग इसका शॉर्ट सर्किट करंट चेक करेंगे यानी ISC। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी रेटेड ISC कितनी है एसटीसी कंडीशन में। यहाँ पर देखिए ISC मेंशन कर रखा होगा, देखिए शॉर्ट सर्किट करंट ISC लिखा हुआ है 1.49 एम्पियर। प्रैक्टिकली जो है अभी हम लोग चेक करके देखते हैं कि अभी कितना ये शॉर्ट सर्किट करंट जनरेट कर रहा है। ये 20 वाट पीक का सोलर पैनल है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके कनेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, इसको 10 एम्पियर DC पे सेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 10 एम्पियर DC पे सेट हो गया है और पॉजिटिव वाला प्रोब जो है इसको 10 एम्पियर वाले के साथ इस तरह से जोड़ देंगे, ये अभी शॉर्ट सर्किट करंट शो करेगा। तो फ्रेंड देखिए 0.75 एम्पियर यानी 750 मिली एम्पियर दिखा रहा है, और आपने देखा कि 1.4 के नियर अबाउट इसका शॉर्ट सर्किट करंट मेंशन कर रखा है सोलर पैनल में। तो इसका रीज़न ये है कि अभी जो है रेडिएशन 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर सोलर पैनल को नहीं मिल पा रहा है, रेडिएशन कम आ रहा है। ये लगभग जो है 500 वाट पर मीटर स्क्वायर से थोड़ा सा अधिक आ रहा होगा, लगभग 600 से 700 के अराउंड में, इसीलिए इस करंट की वैल्यू घट। लोग इसको भी चेक कर लेते हैं कि सोलर पैनल को जो है अभी कितना रेडिएशन मिल रहा है। मिलना चाहिए 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, तब जाके फुल करंट ये शो करता है। तो इसके लिए जो है हम लोग सोलर पावर मीटर का यूज़ करेंगे। तो अभी देखिए इसको चेक कर लेते हैं, इसको सोलर पैनल के इस तरह से परपेंडिकुलर में रख के चेक करना होता है। देखिए फ्रेंड अभी जो है सोलर पैनल को रेडिएशन मिल रहा है 689 वाट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, 700 के करीब आ रहा है। तो उस हिसाब से जो है शॉर्ट सर्किट करंट जो है 0.76 एम्पियर यानी 760 मिली एम्पियर आ रहा है, तो बिल्कुल सही आ रहा है। अगर 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर इस डिस्प्ले में शो होता तो आपको जो है करेंट जितना लिखा हुआ है इसमें 1.49 इतना आपको मिल जाता है, लेकिन रेडिएशन की वैल्यू कम आ रही है क्योंकि ठंड का सीज़न चल रहा है, तो उस हिसाब से आउटपुट करंट कम मिल रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि सोलर का जो आउटपुट करंट है शॉर्ट सर्किट करंट वो सोलर रेडिएशन पे डिपेंड करता है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सोलर टेक इंसाइडर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो सोलर एनर्जी में इंटरेस्ट रखते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।